हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से सभी का स्वागत है रिकमेंड कर एक नया वीडियो पे। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं एक प्रीमियम हेडफोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, इसका परफॉर्मेंस आप लोगों को देने वाला हूँ। मेन बात जो ये जो हेडफोन है एक तो प्रीमियम हेडफोन है और उसके साथ साथ ये हेडफोन का प्राइस भी काफ़ी कम है और ये आप लोगों को काफ़ी सस्ते प्राइस पे एक एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। सारी चीज़ के बारे में क्लियरली बात करेंगे, कौन सा एप्लीकेशन है, कितना प्राइस है, क्या परफॉर्मेंस है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों का ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से सस्ते गैजेट बाय करने का जो एक्सपीरियंस है ना उसको सुधारने वाला हूं, उसको आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इजी करने वाला हूं। मैं खुद टेस्ट करूंगा, खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा ताकि आप लोगों का जो मेहनत का कमाई है वो बर्बाद ना हो जाए। दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक नोटिफिकेशन देना चाहूंगा कि अब से इस चैनल के अंदर मैं बहुत सारे ऐसे गैजेट्स रिलेटेड अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। गिव अवे का बहुत सारे अलर्ट आने वाला है। मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जिसका मैं एक एक करके अनबॉक्सिंग करके और उसका एकदम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो चलिए वीडियो को आज आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों मैंने ये जो बोट रॉकर्स 255 है ये ग्लो रोड बाई अमेजन करके एक एप्लीकेशन है वहां से ऑर्डर किया है। आप लोग यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो जो ये मैंने 283 रुपीज पे ऑर्डर किया है। अब आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि भाई आप कैसे ये कर लिए, मतलब बोट रॉकर्स 255 आपको मिल रहा है 283 रुपीज पे। हाँ दोस्तों मैंने बाय किया है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देखे हो कि 283 रुपीज़ पे बोट रॉकर्स 255 आपको मिल रहा है। अब मेन बात है कि मेरे को भी नहीं पता है कि सच में ग्लो रोड ने मेरे को इस पैकेजिंग के अंदर क्या भेजा है, क्या इसके अंदर सच में बोट रॉकर्स 255 है। वो जो हेडफोन या जो आप नेकबैंड बोल सकते हो क्या वो 283 रुपीज़ को जस्टिफाई करेगा, उसके लिए हम लोगों को इस पैकेट को सबसे पहले अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्सिंग के लिए मैं इसको सबसे पहले कट कर लेता हूँ। और देखो भाई मेरे को बात क्या है ना कि मेरे को जब ये प्रोडक्ट ये लोग देखे गया, जब मैंने इसको हाथ पे लिया है ना भाई, मेरे को तो नहीं लगा हो सकता है। तो सबसे पहले अब इसको देखो कि ये कुछ इस तरीके के पैकेजिंग के साथ आता है। भाई सच बताओ तो मेरे को तो नहीं लग रहा एटलीस्ट कि इस बॉक्स के अंदर कुछ होगा। मेरे को लग रहा है कि मेरा जो 283 रुपीज़ है वो ख़त्म हो गया, मतलब गया, क्योंकि पैकेज का हालत जो है ना वो काफ़ी बुरे हाल में है। मतलब ग्लो रोड सच बताओ तो थोड़ा बहुत सुधर जाओ यारो, मतलब इतने लोग इतने वीडियोज़ बना रहे हैं तुम लोगों के ऊपर, फिर भी तुम लोगों का पैकेजिंग का ये हालत हो के रखा है। और मेरे को जितना दूर तक लग रहा है दोस्तों ये कुछ ना यूज्ड वाला प्रोडक्ट है, किसी लोगों ने इसको रिजेक्ट किया था या रिटर्न किया था तो उसके बाद उन लोगों ने मेरे को ये चिपका दिया है। मतलब पता नहीं हो भी सकता है, बट पैकेजिंग वगैरह देख के तो मेरे को तो नहीं लग रहा है कि यार सच में ये कोई नया प्रोडक्ट है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ एक बार बाहर, फिर मैं देखता हूँ इसको कनेक्ट वगैरह करके। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन यू कैन अप टू विन अप टू 500 करके कुछ है, इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो बोट रॉकर्स 255, इसके अंदर आपको ये हेडफोन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप पैकेज का हालत देखोगे तो पैकेज का हालत काफ़ी ख़राब है, मतलब एकदम टूटा फूटा बॉक्स मेरे को मिला है। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो काफ़ी सारे ऐसे जो इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब पता नहीं दोस्तों ये कुछ यूज्ड प्रोडक्ट है कि नहीं, बट मेरे को तो दोस्तों लग रहा है कि ये एक बोट का ही होगा। चलो इसको बाहर निकालते हैं फिर देखते हैं। बाहर जब हम इसको निकालें ना तो इसके अंदर ये पैकेज के अंदर तो कुछ नहीं है, हटाओ इसको, ये हालत बहुत ख़राब है। हो सकता है कि ये जब ये ट्रांसपोर्ट से आया है शायद उसी में इसका हालत ख़राब हुआ होगा। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक केबल मिला है जो एक माइक्रोवेव भी केबल है, टाइप ए टू ये माइक्रोवेव भी केबल है। साथ में आपको अंदर बोट का ये एक मैनुअल वगैरह मिलता है जो भी क्लियरली मेरे को देख के लग रहा है कि किसी ने पहले इसको यूज़ किया था फिर इसको ऐसे दिया है। ठीक है छोड़ो, अब दोस्तों एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी वगैरह का। तो देखो दोस्तों ये तो क्लियरली लग रहा है कि डुप्लीकेट है। अब पता नहीं साउंड वगैरह जब सुनेंगे तब पता चलेगा, बिकॉज इसका बिल्ड क्वालिटी ना काफ़ी मतलब एकदम पतला सा ये वाला पोर्शन है और उतना भी स्टर्डीनेस मेरे को नहीं लग रहा है।
खैर ये जो यहाँ पे ना सारे आप ईयर टिप्स वगैरह देख रहे हो, इसका भी क्वालिटी मेरे को उतना सही नहीं लग रहा है। लगता है कि 238 रुपीज़ पे ग्लोरोड ने मेरे को चूना लगा दिया है। चलो ठीक है, यहाँ पे एक माइक्रो यूएसबी केबल एटलीस्ट मिला है। और एक बात है कि ये ओरिजिनल तो नहीं है, मगर ओरिजिनल होता तो ना एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे कुछ ईयर टिप्स वगैरह भी मिलता, तो वो कुछ नहीं मिला है। कोई वारंटी कार्ड वगैरह भी मेरे को नहीं मिला है। तो चलो इसको एक बार ना हम ऑन करते हैं, देखते हैं एटलीस्ट ये ऑन होता है कि नहीं। अगर ऑन हो गया तो ये मेरा किस्मत अच्छा है। देखो यहाँ पे आपको लाइटिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो ये ऑन हो गया है। और मेन बात क्या है पता है आपको, यहाँ पे अगर अच्छे से आप देखोगे ना, तो इस जगह से ना थोड़ा सा ऐसे एक गैप है जहाँ से आपको लाइटिंग वगैरह बाहर देखने को मिल जाएगा। तो मेरे को तो नहीं लग रहा है दोस्तों ये कुछ नया प्रोडक्ट है। चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो अगर आप, कि यहाँ पे एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हो। अब इसका चार्ज कितना देर तक रहेगा वो भी एक मतलब क्वेश्चन मार्क है। बट ब्रांडिंग वगैरह तो काफ़ी सही किया है इस कंपनी ने, जितने भी बनाया है इसको। अगर बोट बना है तो बोट ने भी किया है, अगर बोट ने ही बनाया है तो पता नहीं किसने बनाया है, जो भी है चलो। बट हाँ पैकेजिंग वगैरह ख़राब था ग्लोरोड का। तो चलो दोस्तों इसको हम अब कानों में लगाते हैं और फिटिंग्स वगैरह चेक करते हैं कि कैसा है इसका फिटिंग्स। तो जब भी हम इसको ना कानों पे लगाते हैं तो ये कानों के साथ ना मेरा काफ़ी अच्छे से फिट हो गया है। बट मेन बात क्या है कि मैंने इससे पहले भी बोट का काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है उसको यूज़ किए हैं, बट इसका फिटिंग्स ना मेरे को उस हिसाब से नहीं लग रहा है। और 283 रुपीज़ पे अगर आपको एक नकली बोर्ड भी मिल रहा है बट उस पर अगर साउंड क्वालिटी अच्छा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। खैर इसका जब साउंड क्वालिटी वगैरह हम सुनेंगे उसके बाद तो आपको एक रिव्यू हम देंगे थोड़ी देर में। बट हाँ फिटिंग्स का अगर मैं बात करूँ तो आप कितना भी मुंडी हिलाओ ये आपके कानों से नहीं निकलेगा। फिन वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया से आपके कानों के साथ सेट हो गया है। बट मेन दिक्कत एक ही है कि अगर आपका ये ईयर टिप के साथ आता है आपका कानों का शेप उस हिसाब से नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा इसको पहनने में। और एक साथ साथ जैसे मैंने बिल्ड क्वालिटी के वगैरह में ऑलरेडी बता दिया है, काफ़ी चीप क्वालिटी मेरे को लगा है। तो खैर ये मैंने 283 रुपीज़ पे जैसे बाई किया है ग्लोरोड से। अब बात है चलो इस पे थोड़ा बहुत हम म्यूज़िक सुन के देखते हैं, फिर आप लोगों के साथ में यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अब देखो दोस्तों ये जो नेक बैंड है ना, ये मेरे को जब मैंने बाई किया था तब बोट रॉकर्स 255 करके कुछ लिखा था, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो बोट रॉकर्स 255 प्रो करके आ रहा है, शायद आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो एक बार इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसे कनेक्ट होता है। कनेक्टेड तो हो गया है भाई, अब देखो मेरे को जो कनेक्टेड वाला साउंड आया ना कानों में, अब लग रहा है कि मैंने इतना देर तक जितने भी रिव्यू दिया है ना शायद वो चेंज हो सकता है, शायद ये प्रोडक्ट भी ओरिजिनल प्रोडक्ट हो सकता है। बट मेरे को नहीं लग रहा है बिकॉज ये जो वायर वगैरह है ये ऐसा तो नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं ना दुविधा में पड़ गया कि क्या बोलूँ इसके बारे में। चलो फटाफट से अब इसका साउंड सुन लेते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। के लिए तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्या ऐसे सस्ते गैजेट वाला वीडियो देखना चाहते हो। अगर देखना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट अभी आ चुका है। अगर आवाज़ आपको बाहर आ रहा है तो मैं एक बार यहाँ से सुनाता हूँ कुछ, अगर आप लोगों को पता नहीं चलेगा बट फिर भी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ एक बार, और फिर मैं अपना जो ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। थोड़ा मैं ना झूम गया, मतलब इतना बेकार क्वालिटी है भाई, मत खरीदो। 283 रुपीज़ बर्बाद मत करो, मेरा तो बर्बाद हो चुका है, आप लोग बर्बाद मत करो इसको। देखो भाई सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो बेस है ना वो बेस सही है, बट फिर भी ना एट द एंड ऑफ द बेस ना आपको ये कानों में ना बहुत चुभेगा। दूसरा बात है वोकल्स एकदम भी क्लियर नहीं है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है वो छोटा मोटा है, बट एकदम एज पे ना शार्पनेस बहुत लग रहा है, मतलब लग रहा है कि कुछ शार्प चीज़ आपके ना कानों के अंदर हिट कर रहा है। तो उस हिसाब से आप ज़्यादा देर तक इस पे गाना नहीं सुन सकते, आप किसी भी कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर सकते। अब हाँ देखो अगर आपको आपका आपका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं बोलूँगा हाँ आप 283 रुपीज़ देखिए, यू कैन गो फॉर दिस नेक बैंड, बट अदरवाइज
अगर आपको लेना ही है तो दोस्तों थोड़ा बहुत जो है वायर्ड हेडफोन्स आता है, आप उसको ट्राई कर सकते हो, वायर्ड ईयरफोन्स ट्राई कर सकते हो। इवन दोस्तों आप थोड़ा बहुत पैसा अगर ऐड कर सकते हो 500-700 रुपये, तब जगह आपको एक अच्छा खासा जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट 283 रुपीज़ देके तो ये वाला प्रोडक्ट लेना सही नहीं है। और इसका मैग्नेट वगैरह भी कुछ ऐसे खास नहीं है, आप देख ही पा रहे हो कि मैग्नेट इसका अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो एट द एंड में अगर आप लोगों को बताऊँ कि सच में इसमें क्या प्रोडक्ट निकला, क्या है क्या नहीं है, बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है भाई, मेरे को मतलब चूना लग गया। फर्स्ट टाइम मैंने ग्लो रोड से कुछ बाई किया और ग्लो रोड ने मेरे को धोखा दे दिया। ऐसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट आप लोगों को इससे सस्ते प्राइस पे 100-150 रुपया पे किसी भी बड़े बड़े स्टेशन के बाहर मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली, मुंबई, हावड़ा, कोलकाता कहीं पे भी आप देखोगे बाहर पे, तो बाहर स्टेशन के बाहर आपको ऐसे प्रोडक्ट हमेशा मिलते रहेगा, आप वहां से भी बाई कर सकते हो। तो कम प्राइस पे एटलीस्ट कम पैसे का चूना लगेगा आपको, मेरे को तो चलो खैर 283 रुपीज़ का गया है। चलो एक एक्सपीरियंस शेयर करना था आप लोगों के साथ कि कैसा होता है ऑनलाइन पे जब भी आप चीप प्रोडक्ट को बाय करते हो। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। पता नहीं वीडियो का लेंथ कितना हुआ है, जितना भी हुआ है अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।